हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। जोधपुर में छात्र संघ चुनाव के बाद विवादों में उलझे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में शनिवार को अचानक घटनाक्रम ने इस विवाद को हवा दे दी। राजभवन ने एक आदेश निकालते हुए जय नारायण विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर प्रोफेसर गुलाब सिंह चौहान को नियुक्त किया है। प्रोफेसर गुलाब सिंह चौहान लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। आचार संहिता लगाने की आपाधापी के बीच सुबह निकाले आदेश के बाद दोपहर में डॉक्टर चौहान ने कुलपति पद का कार्यभार भी ग्रहण किया है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय को लंबे समय बाद स्थायी कुलपति मिला है। विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के पूर्व प्रोफेसर गुलाब सिंह चौहान अब JNVU के नए कुलपति होंगे। राजभवन से शनिवार को सुबह आदेश जारी होने के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर राधेश्याम शर्मा ने उन्हें ये पद सौंपा। कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण करने से पूर्व नव कुलपति प्रोफेसर गुलाब सिंह ने कुलपति कक्ष के मुख्य द्वार पर धोख लगाने के साथ प्रवेश किया। यहाँ उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद विश्वविद्यालय को ए ग्रेड दिलाने को प्राथमिकता कही। साथ ही विश्वविद्यालय में हुई छात्र संघ चुनाव के परिणाम के बाद उत्पन्न हुई समस्या को भी जल्दी निस्तारण करने की बात कही। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।